हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 3.4 के चार क्वेश्चन की बात कर ली। आज हम इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्यापक हल ज्ञात करने। इसके बाद cos 4x इक्वल दिया है cos 2x। तो देखो यहां पर क्या दिया है, cos 4x इक्वल है cos 2x। अब इस cos 2x को इस साइड लेके आएंगे तो इसको आ जाएगा माइनस का, तो cos 4x माइनस cos 2x इक्वल में जीरो। अब यहां पर इसमें फॉर्मूला लग सकता है cos x माइनस cos y या cos a माइनस cos b इक्वल क्या आता है, माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन में टू, साइन ए माइनस बी अपॉन में टू। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस टू साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू यहां पर कितनी है 4x, बी की वैल्यू कितनी है 2x, तो 4x प्लस 2x अपॉन में 2 इनटू साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू 4x माइनस बी की वैल्यू 2x अपॉन में 2, और इसके इक्वल में कितना दिया है जीरो। तो माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x 6x अपॉन में 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x 2x अपॉन में 2 इक्वल में जीरो। 2 इंटू 3 6, फिर ये 2 से 2 यहां पर कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन x इक्वल में जीरो। अब ये यहां पर माइनस 2 इसके मल्टीप्लाई में है, उधर किसमें जाएगा भाग में, तो जीरो के भाग में जाके ये क्या आ जाएगा जीरो। तो क्या आ गया यहां से साइन 3x इंटू साइन x इक्वल में जीरो। अब इसका अर्थ यहां से दो रिजल्ट मिल रहे हैं, या तो साइन 3x इक्वल होगा जीरो के, या तो साइन 3x इक्वल होगा जीरो के, या साइन x इक्वल होगा किसके जीरो, साइन x किसके इक्वल होगा जीरो। अब आपको पता है यदि साइन x जीरो के इक्वल हो तो x इक्वल हमारे पास क्या आता है एन पाई, तो x इक्वल हमारे पास कितना आ जाता है एन पाई। यहां से साइन 3x इक्वल है जीरो के, तो 3x इक्वल क्या आएगा एन पाई। अब x के गुना में है 3, उधर किसमें चलाएगा बाद में, तो x इक्वल क्या आएगा एन पाई अपॉन में 3। तो इसके व्यापक का हल क्या हो गए एन पाई अपॉन में 3 और एन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, सभी केस में 5 से 9 तक व्यापक हल ज्ञात करने हैं। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल है 0, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल में 0, ये दिया यहां पर। अब इसमें फॉर्मूला लग सकता है यहां पर cos c प्लस cos d, कौन सा फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस cos d, तो cos c या इसको cos a प्लस cos b, क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 cos a प्लस b अपॉन में 2 इनटू cos a माइनस b अपॉन में। तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू यहां पर कितनी है 3x, बी की वैल्यू क्या चलेगी x, तो क्या आ जाएगा 2 cos a प्लस बी, ए की वैल्यू 3x प्लस बी, बी की वैल्यू x अपॉन में 2 इनटू cos a माइनस बी, 3x माइनस x अपॉन में 2, और माइनस में इसके क्या पड़ा है cos 2x इक्वल में 0। तो 2 cos 3x plus x 4x upon में 2, 2 into 2 4 into cos 3x minus x, तो यहां से 2x upon में 2, 2 से ये 2 cancel, minus cos 2x equal में 0। तो 2 cos 2x into cos x minus cos 2x
इक्वल में 0, तो 2 cos 2x यहां पे चल रहा है 2, तो इसके मल्टीप्लाई। अब पूरे में से कॉमन क्या है, यहां से cos 2x, ब्रैकेट में क्या रहेगा यहां पर 2 cos x - 1 इक्वल में 0। अब यहां पर ये इसके मल्टीप्लाई है, इसका अर्थ है कि यहां तो cos 2x इक्वल होगा 0 के, यहां तो cos 2x इसके इक्वल होगा 0 के। अब आपको बताया cos x इक्वल हो 0 के, cos x किसके इक्वल हो 0 के, तो x इक्वल क्या होता है 2m + 1 × π/2, तो x इक्वल क्या होता है 2m + 1 × π/2। यहां पर cos 2x इक्वल है 0 के, तो x इक्वल क्या आएगा 2x इक्वल x की जगह 2x दिया 2m + 1 × π/2, तो यहां पर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड निकला गया तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4, तो x इक्वल क्या आ गया 2m + 1 × π/2। एक तो ये इसका व्यापक हल है, एक व्यापक हल इस दूसरी इक्वेशन से निकालते हैं। तो क्या करेंगे, यहां से इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो 2 cos x - 1 = 0, तो 2 cos x - 1 है उससे जाके +1। अब यहां पर 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, तो cos x इक्वल क्या आ गया 1/2। अब 1/2 कितने cos की वैल्यू होती है, cos π/3 की। अब आपको इसका फॉर्मूला बताया था cos x इक्वल हो cos y की, cos x किसके इक्वल हो cos y की, तो क्या होता है x इक्वल 2n π + −y, 2n π + −y, तो cos x इक्वल है cos y में 3 के, तो यहां से x इक्वल क्या आ गया 2n π + −y की वैल्यू कितनी है π/3। इस प्रकार से इनके व्यापक हल ज्ञात हो गए। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, sin 2x + cos x इक्वल दिया है इसने 0, sin 2x + cos x इक्वल में 0, इसके व्यापक हल ज्ञात करने। तो देखो यहां पर sin 2θ, sin 2θ क्या होता है 2 sin θ cos θ, तो यहां पर ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो तो क्या आएगा 2 sin x cos x + cos x इक्वल में 0। पूरे में से कॉमन क्या आएगा cos x, ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 sin x + 1 = 0, तो 2 sin x + 1 = 0। अब यहां से cos x को पहले तो ये मल्टीप्लाई में हो गए, cos x इक्वल 0 के, तो cos x इक्वल हो 0 के, तो x इक्वल क्या आ जाता है यहां से 2n + 1 × π/2, 2n + 1 × π/2। एक तो इसका ये भी आपका हल हो गया। अब यहां पर 2 sin x + 1 = रखेंगे 0, 2 sin x + 1 = 0, तो 2 sin x = क्या आएगा -1, तो sin x = −1/2, तो कितने sin की वैल्यू होती है −sin π/6, π/6 की वैल्यू होती है। अब देखो इस प्रकार ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, sin पाई माइनस करें तो इसमें रहे, तो इसमें sin प्लस का होता है, लाना किसका है माइनस का, तो यहां पे इस क्वाड्रेंट में sin किसका होता है माइनस का, यानी sin π + θ क्या रहता है हमारे पास, sin π + θ इक्वल क्या होता है −sin θ, sin π + θ क्या होता है −sin θ, तो sin x इक्वल इसको क्या लिखेंगे sin π + π/6, π + π/6, क्योंकि sin π + θ क्या होता है −sin θ, इसको सॉल्व करते हैं sin x इक्वल sin x = 6π + π = 7π / 6, तो sin x इक्वल हो sin y की, तो x इक्वल क्या आता है n π प्लस
माइनस वन की पावर एन इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 7π/6। तो इसके ये यहां पर क्या होंगे व्यापक फल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, x2 इक्वल दिया है 1 tan 2x, तो इसमें क्या करोगे यहां पर सरल समीकरण डाल दो कौन सी sec square theta इक्वल क्या होता है 1 tan square theta। सरल समीकरण लगाने के बाद ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, tan वाली वैल्यू एक तरफ ले आओगे फिर tan कॉमन ले लेना है। तो इतना सा क्वेश्चन है, आगे फिर आपने व्यापक हल के लिए आपको कंडीशन बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवें क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन है sin x + sin 3x + sin 5x। तो sin a + sin b का फॉर्मूला लगा के इसको भी खुद सॉल्व करो। तो 3.4 से 9 तक क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएंगे, सिर्फ व्यापक हल ही पूछा है। यहाँ इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन कौन सी आई थी मुख्य हल, बाकी विविध के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में